रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। विकास से सहमत विरोधी दलों को साधने पर जोर, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए और दलों को जोड़ेगी भी भाजपा। पानीपत के घर में जिंदा जला परिवार, रात में गैस लीक, सुबह चाय बनाने को आग जलाई तो धमाका, पति पत्नी और चार बच्चों की मौत। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में 9 साल के बच्चे की बलि, पहले किडनैप किया फिर सिर काटा। हिमाचल में मौसम के अनुमान धोखा, बार बार अलर्ट, फिर भी ना बारिश हुई और ना ही बर्फबारी, देवभूमि में अब सूखे जैसे हालात। भोपाल में करनी सेना का आंदोलन खत्म, आरक्षण समेत 4 मांगों पर हुई चर्चा नहीं, 18 मांगों को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई। कोलकाता में सॉल्ट लेक इलाके में भीषण आग, कई दुकानें खाक, 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, बोले धर्म भारत का आवश्यक सत्व है और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। टीएमसी समर्थित वकीलों से नाराज जस्टिस राजशेखर का बयान, बोले हाईकोर्ट की प्राचीन गरिमा को बदनाम न करें। भोपाल गैस राशि पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, कहा किसका इंतजार कर रहे हैं, खुद दे पीड़िता को मुआवजा। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, कहा मनुस्मृति दलितों और वंचितों के हक छीनने की बातें करता है। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले पंजाब देश प्रेम, सौहार्द और संतों की भूमि, साहनेवाल किसान के घर टी ब्रेक के लिए रुके थे। आपको 10 दिन में 164 करोड़ चुकाने का नोटिस, सूचना व प्रसार निदेशालय ने भेजा, वक्त पर नहीं चुकाए तो संपत्तियां होंगी कुर्क। दिल्ली में महिला उबर ड्राइवर की कार पर पथराव, बदमाशों ने बियर की बोतल से गर्दन और छाती पर हमला किया, पैसे भी लूटे। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, आरोपियों को पकड़ने के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी, 19 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले। जोशीमठ में बिगड़ रहे हालात, 50 घरों में दरारे, जिन होटल में ठहराए वहां भी दरारे, लोग बोले मना ही है तो अपने घर में क्यों ना रहें। बरेली पहुंची प्रवीण तुंगाड़िया, बोले तबलीगी जमात पर क्यों नहीं लगता प्रतिबंध, सऊदी अरब में बैन, संगठन भी भारत में चल रहे हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में रेप की दूसरी वारदात, इंदिरापुरम में पड़ोसी ने घर बुलाकर बच्ची से की दरिंदगी, मुरादनगर में गैंग रेप। अयोध्या में 2 सगे भाई ट्रेन से कटे, भीड़ बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, 35 भेड़ चपेट में आकर मरी। कारोबारी के फॉर्च्यूनर से 5 लाख और रिवाल्वर चोरी, अजनबी ने कार का शीशा खटखटा, इतने में दूसरी सीट पर रखा हुआ बैग गायब हो गया।
फर्जी आईएएस बन शादी और लिव इन का खेल, दहेज में लिए 40 लाख रुपए, ज्वेलरी और लग्जरी कार अब ससुर ने पहुंचाया जेल। कार ने स्कूटी और बाइक में मारी टक्कर, स्कूटी सवार युवक की मौत, लखनऊ में नाका ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। वाराणसी में पति पत्नी की मौत, 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे, बदबू आने पर दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाले गए। दरोगा के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, बोला थाने से टेंशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। बरेली में 2 रूट पर दौड़ेगी मेट्रो, नाथ मंदिर कॉरिडोर की परिक्रमा कराने की तैयारी, सीटीयू डेवलपमेंट और विजन स्टेटमेंट ने बनाया प्लान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 की मौत, हमीरपुर में ट्रक कार में भिड़ंत के बाद लगी आग, जिंदा जल गए सवार। साइबर सेल ने नाइजीरियन ठग को दबोचा, 33 करोड़ और बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर की थी 12.50 लाख रुपए की ठगी। सहारनपुर में 16 जनवरी को रोजगार का अवसर, क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में लगेगा रोजगार मेला, 35 साल तक के युवा ले सकेंगे भाग। फिरोजाबाद में यातायात को लेकर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हुआ आयोजन, शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की गई। घर वालों से नाराज होकर अपहरण का नाटक, परिजन केरल भेजना चाहते थे, बेटी ने भेज दिया अपहरण का मैसेज। रंगनाथ भगवान का बैकुंठ उत्सव, 10 दिवसीय बैकुंठ उत्सव का हुआ समापन, भगवान रंगनाथ ने विभिन्न स्वरूप में दर्शन दिए थे। बरेली में खूनी संघर्ष, गन्ना हम काटेंगे ऐलान के बाद बरसाई 20 गोलियां, 135 बीघा जमीन के लिए 3 का मर्डर। अंबेडकर नगर में विवाहिता ने लगाई फांसी, 2 साल पहले हुई थी शादी, आए दिन पति पत्नी में होता था विवाद। सॉल्वर गैंग का सदस्य वाराणसी से अरेस्ट, यूपीएसटीएफ ने छापा मार, दबोचा दे रहा था सिपाही भर्ती के परीक्षा। मेरठ माधवपुर कमेटी हॉल में कोकशी पर हंगामा है, हिंदू संगठनों में उबाल, हंगामे पर पहुंची पुलिस। बिजनौर में गन पॉइंट पर युवती से रेप, शादी का झांसा देकर की वारदात, असली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। एसएसपी ने 3 सब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में किया परिवर्तन, मुजफ्फरनगर में ओवरहॉलिंग जारी, अवैध उगाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बागपत के पुलिस अधीक्षक एक्शन में, 200 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की फाइल तैयार, जिले में 4000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस। आजमगढ़ दौरे पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय, उस बोले संगठन के पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक, जिले के कमजोर संगठन को दे रहे हैं धार। बहराइच में अस्पताल सरकारी इलाज प्राइवेट, एसडीएम के जांच में हुई पुष्टि, 250 रुपए की ली जा रही है फीस। देवरिया में ट्रेन की चपेट में आकर छात्र की मौत, बहनोई को छोड़ने आया था स्टेशन, गोरखपुर से कर रहा था आईटीआई।
हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, महिला और दो मासूम बेटियों की जलकर मौत हो गई। लखनऊ में ठंड का सितम जारी, कोहरे की चादर से ढका पूरा लखनऊ, सर्द हवाओं से लोगों का जीना हुआ बेहाल। श्रावस्ती में सीएमओ का घूस लेते वीडियो वायरल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मचा हड़कंप। पंद्रह जनवरी से प्रदेश के सभी जिलों में होंगे निवेशक सम्मेलन, देश विदेश दौरे के बाद 75 जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार चारपहिया गाड़ी, कार में सवार चार लोग, दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। उत्तराखंड के केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी, बूंदाबांदी और सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंदिर में एंट्री करने पर दलित युवक को कोयले से धागा पिता के सामने पीटते हुए फाड़ दिए कपड़े। उत्तराखंड के जोशीमठ में मुआवजा निर्धारण करने के लिए डीएम की अगुवाई में बनाई गई समिति देगी सुझाव। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त जोशीमठ में नहीं टूटेंगे घर, सीएम धामी ने कहा बाजार दर पर दिया जाएगा मुआवजा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीएमएस की फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार। उत्तराखंड में डॉक्टर की फर्जी डिग्री लेकर क्लिनिक चला रहे दो गिरफ्तार, नकली डिग्री बनाने वाले भी हिस्ट्री शीटर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हितधारकों का ध्यान रखेगी धामी सरकार, सचिव का ऐलान, हर परिवार को मिलेगी 1.50 लाख की अंतरिम सहायता। जोशीमठ हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम, नरसिंह मंदिर के पूजा के बाद आईटीबीपी जवानों से भी मिले। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ में उस साल की पहली बर्फबारी, मौसम की करवट बदलने से ठंड से कांपे लोग। उत्तराखंड के औली में शीतकालीन खेलों के आयोजन पर संकट, फरवरी से पहले सप्ताह में होनी है नेशनल स्काइंग चैंपियनशिप। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक बना कानून, शासन से अधिसूचना जारी, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% होगा आरक्षण। जोशीमठ की पुनर्वास और मुआवजे के लिए बन सकती अलग नीति, सीएम धामी ने की बैठक, कल होगी कैबिनेट। जियो 5G शुभारंभ, बोली सीएम धामी, राज्य में मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए जियो हमेशा आगे। उत्तराखंड में अवैध नियुक्तियों पर हाईकोर्ट सख्त, सचिव से जवाब तलब, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की कोर्ट ने मंजूरी दी। जंग जीतने के लिए रूस ने बदला कमांडर, पुतिन ने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को सौंपी कमान, 3 महीने में सरगोई सुरोवकिन हटाए गए।
शैतान के मंदिर में सबसे बड़ी पूजा, अमेरिका में जुटेंगे दुनिया भर के काली शक्ति के पुजारी। अमेरिका ने एफएफ पर साइबर अटैक से किया इनकार, शुक्रवार तक सामान्य नहीं हो सकेगी विमानन सेवाएं। बोल्सोनारो के समर्थकों ने फिर से विरोध प्रदर्शन की धमकी दी, राजधानी ब्रासिलिया की बढ़ाई गई सुरक्षा। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ प्रधान टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस का बयान, बोले चीन कोरोना से होने वाली मौतों का सही रिपोर्ट नहीं देता। ब्रिटेन के अस्पताल यूक्रेन से बदतर, स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर बगैर इलाज जारी है जान, हर सप्ताह 500 मौतें। भारत की मैरियन बायोटेक के सिरप बच्चों को ना पिलाएं, डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया, कहा दो सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं है। अफगान विदेश मंत्रालय के बाहर धमाका, अंदर चीन तालिबान के बीच मीटिंग चल रही थी, 20 लोगों की मौत, तालिबान नेता चुप। नहीं होगा तीसरा विश्व युद्ध, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस से जंग में हालात बदल रहे हैं, हमें जीत का पूरा भरोसा। यूएस में फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे शुरू, कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत, करीब 5000 फ्लाइटें से 450 कैंसिल, दो दिन में नॉर्मल होंगे हालात। मारुति की ऑफ रोड जिनी लॉन्च, चार व्हील ड्राइव 5 डोर वर्जन में मिलेगी, प्रीमियम एसयूवी की फॉक्स भी लॉन्च हो गई। टाटा लायस सियेरा को इलेक्ट्रिक वर्जन, सिंगल चार्ज में 631 किलोमीटर चलेगी हुंडई आइकॉनिक 5 ईवी। फिर से बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को किया रद्द। मारुति की पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर चलेगी, ऑटो एक्सपो में एथेनॉल से चलने वाली वैगनआर भी लाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले भारत व अमेरिका बड़ा सोच रहे हैं, मिनी ट्रेड डील या एफटीए को किया खारिज। थर्ड यूनिकॉर्न के लिए हायरिंग कर रहे हैं, अश्नि ने दिया ऑफर, 5 साल तक काम किया तो मर्सिडीज देंगे। फलों की टोकरी में छिपाकर दुबई से ला रहा था 1.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा, मुंबई एयरपोर्ट पर धराया। बिटकॉइन में बड़ी तेजी, $18,000 के पार पहुंचा प्राइस, अन्य क्वाइन में भी अच्छी उछाल आई। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, देरी से चल रही हैं 23 ट्रेनें, 368 गाड़ियां रद्द की गईं। वीवो X90 प्रो करेगा ग्लोबल मार्केट में एंट्री, 50 MP ट्रिपल कैमरा, 112 GB रैम मिलेगा। फॉर्ब डुप्लेसिस की कप्तानी में जेएसके की जीत से आगाज, अपनी ही टीम की हार का कारण बना एलएसजी का खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस के लिए राहत भरी खबर, 541 दिन बाद वापसी करने वाले जुरोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर झटका विकेट।
पृथ्वी शॉ का चयनकर्ताओं पर कटाक्ष, बोले मुझे उन लोगों ने आंका जो शायद मेरे बारे में जानते नहीं। एडन गार्डर्स पर मुकाबले के दौरान याद किए जाएंगे लेजेंड फुटबॉलर पेले, 45 साल पहले इसे मैदान पर खेला करते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी के थ्रो से चोटिल हुए अंपायर अली मदार को आया गुस्सा, ग्राउंड पर फेंकी जर्सी। अफगानिस्तान से ओडीआई सीरीज नहीं खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, तालिबान के महिलाओं पर जुल्म की वजह से लिया फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज, ढाई घंटे चलेगी ओपनिंग सेरेमनी, 40,000 दर्शकों के सामने दिशा, रणवीर और प्रीतम ने किया परफॉर्म। न्यूजीलैंड ने 79 रनों से जीता दूसरा वनडे, ड्वेन कॉनवे ने जताया शतक, विलियमसन ने खेली 85 रनों की पारी। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित कर दी गई है, 18 मेंबर्स की टीम में 4 स्पिनर्स टॉड मर्फी और लॉन्स मॉरिस को मौका मिला। बढ़े रैंकिंग के 6 स्थान पर आए कोहली, सूर्या T20 में 908 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। रात के 2 बजे फैंस से मिले शाहरुख खान, होटल में बुलवाकर खिंचवाई फोटो, फैंस बोले ये तो किसी सपने जैसा है। ऋतिक ने एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी की फोटो शेयर कर अरसलान गोनी को कहा यारा, यूजर्स ने किया ट्रोल। ट्रोलर्स के निशाने पर रश्मिका मंदाना फिल्म वारिसु देखने पहुंचे थिएटर, यूजर्स बोले ओवर एक्टिंग की दुकान। रेड साड़ी में वीडियो शेयर कर उर्वशी रौतेला, हमें तो लूट लिया इश्क वालों ने, यूजर्स बोले आपने तो हमारे ऋषभ पंत को लूट लिया है। बाईस साल बाद गदर फिर से होगी थिएटर्स में रिलीज, 15 जून 2023 को एक बार फिर से रिलीज होगी गदर एक प्रेम कथा। स्टाइलिश लुक में नजर आई शिल्पा शेट्टी, दिव्या घोसला कुमार के अलावा मुंबई एयरपोर्ट प्रेस पार्ट हुए कार्तिक आर्यन। ऑटो एक्सपो में शाहरुख ने गुनगुनाया डीटीएलजे का गाना, सिग्नेचर पोज भी देते नजर आए, इवेंट में बोले फ्री में घर ले जाना चाहता हूं गाड़ी। राखी सावंत ने आदिल खान संग गुपचुप की शादी, हाथ में दिखा मैरिज सर्टिफिकेट, अभी 2 दिन पहले रोते हुए शेयर किया था वीडियो। चौबीस में शादी करेंगी, कल हो ना हो फेम झनक, एक्टिंग छोड़ने पर बोली बड़ी हुई तो एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं रही। वैज्ञानिकों को समर्पित होगी द वैक्सीन वॉर, विवेक अग्निहोत्री बोली जिन साइंटिस्ट ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।